उसे पीठ और हाथ पैर में चोटें आई हैं। खौफ के कारण लोग घरों की छत पर चढ़ गए और पैंथर को भगाने के प्रयास में थाली और ढोल बजाते रहे। घटना बांसवाड़ा में कुशलगढ़ के काकनवाणी गांव की है। इसका वीडियो भी सामने आया है। वन विभाग के रेंजर गिरीश लबाना ने बताया कि लोगों ने बुधवार शाम 4 बजे गांव के खेत में से लेपर्ड से गुजरने की आवाज सुनी थी। इसके बाद ग्रामीण उसे खुद ही ढूंढने लगे तो वह दूसरे खेत में जाकर छिप गया। इस दौरान उसने कुछ लोगों पर हमले के भी प्रयास किए। लबाना ने बताया कि पैंथर खेतों से निकलने के लिए इधर उधर भाग रहा था। रेस्क्यू में ग्रामीण भी शामिल थे। इस दौरान हुका मांगलिया और खूमचंद मानसिंह दोनों डंडा लेकर पैंथर की तरफ भागे तो उसने पलटकर दोनों पर हमला कर दिया। पैंथर के अटैक करते ही दोनों नीचे गिर गए। इस हमले में उनके पीठ और पैर दोनों ही जख्मी हो गए। उपचार के लिए उन्हें कुशलगढ़ हॉस्पिटल लाया गया। यह पूरा घटनाक्रम करीब 2 घंटे तक चला। पैंथर को गांव से भगाने के लिए छतों और खेतों में ग्रामीण शामिल हो गए। ढोल थाली बजाकर लेपर्ड को आबादी क्षेत्र से भगाने का भी प्रयास किया गया, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। बताया जा रहा है कि देर शाम पैंथर फसलों के बीच से गायब हो गया। ग्रामीण इस हादसे के बाद अब भी डरे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वे अब भी छतों पर लाठी व डंडा लेकर निगरानी कर रहे हैं। वहीं वन विभाग की टीम भी पैंथर की मूवमेंट को ट्रैक करने में जुट गई है। मौके पर वनपाल पार सिंह, केटल गार्ड किशोर सिंह और सज्जन सिंह लेपर्ड के मूवमेंट को लेकर जानकारी जुटा रहे हैं। हाल फिलहाल में राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में पैंथर अटैक की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं।